गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिस्पर्सन फोर्स, जो कि आपका स्टेट ऑफ मैटर्स क्लास 11 से बिलोंग्स करता है। ये टॉपिक डिस्पर्सन फोर्स का दूसरा नाम है, डिस्पर्सन फोर्स का दूसरा नाम है लंदन फोर्सेस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे लंदन फोर्स ऑपरेट करता है, डिस्पर्सन फोर्स क्या है, इसका कोई अलग नाम क्या है, किस तरह से हम इसको पहचाने। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आज कंप्लीट आइडिया आपको मिलने वाला है डिस्पर्सन फोर्स के बारे में, लंदन फोर्स के बारे में। इस पे काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं, ठीक है। किसी को नाम से वाकिफ जरूर है, नाम से वाकिफ जरूर है कि लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स सुने होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 11th में ही काम लेगा, हो सकता है आपको 12th में ही काम दे, आगे भी काम दे, लेकिन हाँ, इस फोर्स से आपको वाकिफ होना होगा कि कहाँ पर फोर्स लगता है, किस पार्टिकल के बीच में लगता है, नेचर ऑफ पार्टिकल्स कैसा होगा, कहाँ पे ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे लगता है। तो अगर ये सब सारी चीज़ आपको जानना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ, व्हाट इज लंदन फोर्स, व्हाट इज डिस्पर्सन फोर्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंदन फोर्स की बातें करता हूँ। लंदन फोर्स, लंदन फोर्स इसलिए है कि साइंटिस्ट रिलेटेड है लंदन फोर्स, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स भी, इसका नाम है डिस्पर्सन फोर्स, इसका नाम है, ठीक है, लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। इसका एक और नाम है, आपको उस नाम से सारा चीज़ क्लियर होगा। अभी कि लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स से क्लियर नहीं हो रहा है एक्चुअली में बात क्या है, लेकिन इसका इस नाम को तो आप जानिए ही, इसके अलावा इसको नाम को जानना है आपको इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डाइपल और इंड्यूस्ड डाइपल इंटरैक्शन, इंड्यूस्ड डाइपल इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब ये होता है फोर्स, इंस्टेंटेनियस डाइपल और इंड्यूस्ड डाइपल इंटरैक्शन, मतलब कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपल और इंड्यूस्ड डाइपल के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स ऑपरेट होगा, उसको आप क्या बुलाओगे, क्या बुलाओगे, डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंदन फोर्स उसको हम बुलाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि अगर इंस्टेंटेनियस डाइपल का दूसरा नाम क्या है, टेम्पररी डाइपल, किसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी डाइपल इसको बोला जाता है, ठीक है, फिक्स डाइपल नहीं है ये, टेम्पररी डाइपल का मतलब है कि ये चेंज करने वाला है, ठीक है, कुछ आपका टाइम पे ये एग्जिस्ट करेगा, कुछ टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा डाइपोल है ये। तो यहां पे देखेंगे हम कि ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल का जो दूसरा नाम है टेम्पोररी डाइपोल, तो इसको हम लोग देखेंगे कि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल या फिर टेम्पोररी डाइपल्स और इंड्यूस्ड डाइपल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट किस प्रकार से करता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमारे पास कोई एटम है, ठीक है, यहाँ पे, और ये ध्यान रखेंगे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ऑपरेट करता है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ऑपरेट करता है, कहाँ पे ऑपरेट करेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करेगा, नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि एज ए एग्जांपल नॉन पोलर की बातें मैं करूं तो जैसे कि H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ठीक है, और भी देख लीजिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये ऑपरेट करने वाला है, ये फोर्स नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बने और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल बने। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब ये है, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब आप कह सकते हो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल और टेम्पररी डाइपोल का मतलब भी क्या हुआ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कंप्लीट डाइपल्स तो नहीं है, कंप्लीट डाइपोल होता तो हम बोलते, या फिर परमानेंट डाइपोल होता तो बोल सकते थे कि यहाँ पे
पोलर मॉलिक्यूल की बातें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपल है, टेम्पररी डाइपल है, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल बुलाएंगे, उसको हम लोग नहीं बुला सकते पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसको भी हम लोग क्या बुलाएंगे? इंस्टेंटेनियस अगर डाइपल्स है तो यहाँ भी क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करेगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपल, टेम्पररी डाइपल या और इंड्यूज डाइपल इंटरैक्शन। इंड्यूज डाइपल इंटरैक्शन इसको हम लोग प्यार से बुला सकते हैं लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स के नाम से, ये बड़ा प्रचलित है। ठीक है, यहाँ तक आप जानिए। अब आपकी मन में ये ख्वाहिश है कि किस तरह से ये डाइपल, टेम्पररी डाइपल और इंड्यूस्ड डाइपल क्रिएट करता है मॉलिक्यूल में, ये आप देखिए। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो सपोज हम मान लें कि ये हाइड्रोजन की एटम है, हाइड्रोजन की एटम है, ये भी हाइड्रोजन की एटम है। ठीक है, या कोई भी नॉन पोलर आप कोई भी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है और ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, एच टू है, ध्यान देंगे। जब देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, जब ये न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे मान ले कि दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, या सबसे पहले आप ये समझिए कि ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ज़रूर है, लेकिन हाँ इस बात को समझना ज़रूरी है आपके लिए कि ये इलेक्ट्रॉन 3D में है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 3D में, और इसका मन कि हम कब कहाँ रहें। ठीक है, इसका मन कि हो सकता है किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी मोमेंट पे, किसी भी डी टाइम पे, किसी भी डी टाइम पे ये हो सकता है यहाँ रहे, इसका मन है ये यहाँ रहे, इसका मन है ये यहाँ रहे, इसका भी मन है यहाँ रहे। ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स रहे कि यहीं रहे और यहीं रहे। ठीक है, इसके किसी भी क्षण पे, किसी भी मोमेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी डी टाइम पे, ठीक है, ये कहीं भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, अगर मान ले कि इस दो इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन किसी भी एक पार्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंट टाइम पे, डीटी टाइम पे, ठीक है, मान ली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके आ गया, इस इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया है तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। ठीक है, इस समय नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। ऑब्वियसली अगर इधर सारा नेगेटिव आ गया है, सारा नेगेटिव इधर खींचा गया है, तो बताइए कि इधर हम क्या माने, इधर क्या मान के चले? अगर सारा नेगेटिव इधर खींचा चुका है तो इधर हम क्या मान के चले? आप बोलिएगा सर इसको पॉजिटिव मान लीजिए, चलिए आपका वही बात मान ले रहे हैं। इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर इस साइड को हम क्या मान लिए कि यहाँ पे पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है, किसी मोमेंट पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो घूम रहा है 3D में घूम रहा है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना कहीं रहे यहीं रहे, किसी भी ऐसा मोमेंट पे ये अपना पोजिशन को बदल रहा है, इस मोमेंट पे इधर ज़्यादा निगेटिव है तो इधर ज़्यादा पॉजिटिव है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखें कि मान लिया जाए कि यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, नेगेटिव है, नेगेटिव के फॉर्म में दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, इस समय यहाँ पे मान ले इलेक्ट्रॉन है, या फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा एकदम अंदर की बातें मैं बताना जा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे यहाँ पे कहीं पे है, तब ये क्या करेगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्या करेगा? ये पॉजिटिव बोलिए क्या करेगा? सबसे पहले ये तो पता चल गया आपको, इस मॉलिक्यूल्स में ये नेगेटिव इधर आ गया, ये नेगेटिव इधर आ गया, तो ये नेगेटिव अगर इधर आ गया है तो यहाँ पे क्या हो गया? बताइए, बोलिएगा कि यहाँ पे डेल नेगेटिव हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा डेल पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव हो गया एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है? डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा? डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव का टेंडेंसी क्या होगा? डेल पॉजिटिव जो है पॉजिटिव चार्ज है, बोलेगा अरे भैया सारा इलेक्ट्रॉन तुम इधर आ जाओ, सब इलेक्ट्रॉन तुमको इधर खींच के रख लेगा, ये क्या करेगा? पॉजिटिव सारा इलेक्ट्रॉन को बोलेगा इधर बुला लेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर इधर बुला लिया, अपने आप में ये क्या किया? अपने आप में एक डायपोल को तैयार किया, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे तैयार किया, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे तैयार किया, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर था ये पॉजिटिव, इसके मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में दो पोल क्रिएट हो गया, दो पोल क्रिएट हो गया, दो पोल का मतलब हो गया, दो का मतलब डाई,
अब पोल का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, डाइपोल क्रिएट हो गया, इस मॉलिक्यूल में डाइपोल आ चुका है, लेकिन हाँ परमानेंट नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। फिर पोजिशन ये चेंज करेगा, यहाँ आएगा, ये इधर जाएगा, परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है, ठीक है। ये मूव कर रहा है 3D में इलेक्ट्रॉन को, ध्यान देंगे आप, ये मूव कर रहा है, रुकने वाला नहीं है ये, तो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे एक डाइपोल आया। अब इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा यहाँ पॉजिटिव है, इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चलो इधर आ जाओ, आ गया, अच्छी बात है, इधर आ गया। अब जब इधर आ गया, अब इधर आ गया तो इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। अब इसके कारण इसमें भी डाइपोल आ चुका है नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इसके कारण, इस मॉलिक्यूल के कारण इसमें भी डाइपोल का क्रिएशन हुआ है, इसमें भी डाइपोल आया है, पॉजिटिव नेगेटिव आया है। इसके मतलब है कि इसमें, इस मॉलिक्यूल में इंड्यूज हुआ है, इस मॉलिक्यूल में इंड्यूज हुआ है, किसके कारण, इस टेम्पोररी डाइपोल के कारण इंड्यूज हुआ है, जो टेम्पोररी डाइपोल बनाया है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनाया है, इसके कारण क्या हुआ, इसमें भी इंड्यूज करके रख दिया। इंड्यूज का मतलब है कि इसके कारण इसमें भी डाइपोल क्रिएट हो गया, बन चुका है डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव। आप बताइए ये क्या था, ये था इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये था टेम्पोररी डाइपोल, और ये क्या था, इंड्यूज डाइपोल, ये क्या था, इंड्यूज डाइपोल। आप दोनों के बीच में देखिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इस फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बुलाएंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, या फिर लंदन फोर्स, या दूसरा नाम डिस्पर्शन फोर्स। तो आई थिंक आपको इस सारी बात समझ में आ चुकी होगी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल किस तरह से क्रिएट होता है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इज अ टेम्पररी डाइपोल, इट इज नॉट द परमानेंट डाइपोल, कुछ क्षण के लिए बनेगा, ठीक है। इसके कारण दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में वो डाइपोल इंड्यूज होगा, डाइपोल इंड्यूज होगा, और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑपरेट करेगा, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑपरेट करेगा, उस फोर्स का नाम क्या होगा, लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्सन फोर्स। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको डाइपोल, आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन की कहानी मैंने आपको सुनाया। आई थिंक आपको सारी बात क्लियरली समझ में आया होगा। आज के बाद आप लंदन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स या फिर इस नाम में फंसने वाले नहीं हैं। इसके बाद मैं कुछ ऐसे फोर्स लेके आऊँगा, ठीक है, जहाँ की आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बहुत सारे फोर्स है, वंडरवाल, ये जो मैं बताया हूँ, ये वंडरवाल फोर्स बिग फोर्स का एक एग्जाम्पल है, बिग फोर्स का ये एग्जाम्पल है, जो कि गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स ऑपरेट करता है। और ये जान लीजिए, जब भी गैसियस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑपरेट करेगा वो कमजोर ही होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, वो फोर्स कमजोर ही होता है, स्ट्रांग नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इसी टाइप का कोई एक अच्छा टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने, जिसमें आपको परेशानी होती है, और हम लोग क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।